बात करते हैं मीराबाई चानू की और कैसे उन्होंने जो है आज पहले ही दिन इंडिया को पहली बार ओलंपिक के इतिहास में मेडल दिला दिया पहले दिन। अयोनिका पॉल हमारे साथ हैं। अयोनिका, इससे पहले कि मैं आपसे शूटर्स के बारे में बात करूं, मैं आज आपसे पहला ये सवाल एज एन इंडियन पूछ रहा हूं कि कैसा लगा जब मीराबाई चानू ने इंडिया के लिए सिल्वर मेडल जीता? हर प्लेयर का ये पहले दिन से जब वो एक प्रिपेयर करना चालू करते हैं, उनका ये ड्रीम होता है कि अब हमारा नेशनल फ्लैग ऊपर चले, और जो वो हासिल करते हैं, जो बाकी लोग होते हैं, सारे इंडियंस को उतना ही प्राउड फीलिंग आता है जो एक पर्सन रिप्रेजेंट करता है हमारे कंट्री को। वी एज एथलीट्स, हम लोग एम्बेसडर्स हैं हमारे कंट्रीज के, और हमारा कंट्री का फ्लैग जब कहीं और कंट्री में जाके ऊपर उठता है तो इट्स द ग्रेटेस्ट फीलिंग एनीबडी कैन एवर हैव। जी हाँ, बिल्कुल, इट इज द ग्रेटेस्ट फीलिंग एनीबडी कैन हैव। निखत हमारे साथ है। निखत, आप बताएंगे कि कैसा रिएक्शन होता है? अलग अलग डिसिप्लिन, लेकिन जब टीम इंडिया का कोई भी एथलीट मेडल जीतता है तो खुशी पूरे कंटिजेंट में फैलती है। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग इंडिया एक, हम यहाँ पे इंडिविजुअल स्पोर्ट रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मुझे याद है हमारी ट्रेनिंग 12 बजे थी आज, तो तभी मीराबाई चानू का मैच चल रहा था। तो जब लास्ट वो स्नैच वो जब कर रहे थे, जब लिफ्ट उठा रहे थे, तो हमें लिटरली हमें गूजबम्स आ रहे थे और हम लोग क्लैप्स बजा रहे थे कि उन्होंने 115 केजी वाला उठा लिया था। एंड वी वेर एक्सपेक्टिंग कि उनको गोल्ड मेडल जीते वो, बट अनफॉर्चुनेटली यू नो जो मतलब जो होता है अच्छे के लिए होता है, बट उन्होंने आफ्टर ऑल अपने इंडिया के लिए फाइनली फर्स्ट डे पहला मेडल जीता है, वो भी सिल्वर। तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और उसी टाइम जब उन्होंने मेडल जीता था तो बहुत खुशी हुई थी, अंदर से एक अलग से मोटिवेशन मिलता है हम लोग को कि उनके जैसे बनना है, हमें भी एक दिन अपना इंडिया रिप्रेजेंट करके हमारे देश के लिए मेडल जीतना है। विजय भाई, ये जो हमेशा हम ओलंपिक में हम बात करते हैं, जब भी कोई एथलीट जीतता है तो सबसे बड़ी कहानी होती है कि कैसे उन्होंने अपने सारे ऑड्स को ओवरकम किया। इंजर्ड थी मीराबाई चानू, उसके बाद उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा गया US, जहां पर वो रिकवर भी हुए, उन्होंने ट्रेन भी किया और वादा करके गई थी वो कि टोक्यो में मेडल जीत के आएंगे, और वही किया उन्होंने। जी हाँ, क्योंकि एक तरीके से जिद थी उनकी ये। अगर आपको याद हो विवेक, कि इतना आसान नहीं था उनको परमिशन मिलना US में जाके ट्रेन करें। इंजरी थी, और इंजरी जब आप इंजर्ड होते हैं किसी भी खेल में, जब आप वापस आते हैं तो आपके जहन में वो डर रहता है कि क्या मैं फिर से इंजर्ड ना हो जाऊं, तो आप थोड़ा सा कॉशियस होते हैं। लेकिन यहाँ पे मीराबाई की जो ट्रेनिंग रही एकदम प्रोफेशनल, उनके कोचेस के आपको बहुत क्रेडिट देना पड़ेगा। विजय शर्मा जी शुरू से मतलब कहते आए हैं, वो बैक करते आए हैं। उन्होंने, जैसे आपने पिछले प्रोग्राम में बोला था विवेक, बड़ा टेक्निकल स्पोर्ट है, और जब टेक्निक आपको चेंज करनी पड़े आपको एडवांटेज देने के लिए, बहुत मुश्किल होता है। टूर्नामेंट के दौरान तो नहीं कर सकते, लेकिन एकदम टूर्नामेंट से पहले भी जो आप तैयार कर रहे हैं, मीराबाई ने वो तैयारी की वो, और उनकी जो US की ट्रेनिंग थी वो हमको नज़र तो नहीं आई, लेकिन आज के रिजल्ट में पता लग गया कि कितनी मेहनत की उन्होंने जाके, और वो डिजर्व करती थी जो भी सपोर्ट मिला है। जदीदा, आप 2016 रियो ओलंपिक्स कवर कर रहे थे, आपने वो डिसअपॉइंटमेंट मीराबाई चानू के चेहरे पे देखा था, आज वो खुशी देखकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? मतलब खुशी देखकर महसूस तो अच्छा ही हो ही रहा है, एवरीबॉडी इज हैप्पी सो आई एम। लेकिन एक चीज मुझे लग रहा है इनको देख के कि ये जो मीराबाई चानू एक चीज प्रूव कर दिया है, जिसको कहते हैं बिग प्लेयर। जो बिग प्लेयर होते हैं वो बिग स्टेज में ही जाके परफॉर्मेंस करते हैं। मीराबाई चानू देखिए, ये क्रिकेटर जैसा है, मतलब आप सेमीफाइनल फाइनल में कितने रन बनाते हो, कितने विकेट लेते हो, उसी के ऊपर डिपेंड करता है। पीछे आपने क्या किया वो दैट डजंट मैटर एट ऑल। ये भी देखिए कि मतलब उन्होंने नेशनल चैंपियनशिप में क्या किया, एशियन गेम्स में क्या किया, वो सब मैटर नहीं किया, लेकिन आज जब ओलंपिक स्टेज में आए तब उन्होंने अपना पर्सनल बेस्ट दे दिया। जी हाँ, पर्सनल बेस्ट जरूर दिया मीराबाई चानू ने। जयदीप दा, मैं आऊँगा आपके पास, लेकिन आपको ये बता दें कि मीराबाई चानू के अलावा कई लोगों ने बड़े स्टेज पर परफॉर्म नहीं किया, उनके बारे में भी अब हम बात करेंगे। आज पहले ही दिन मीराबाई चानू ने जरूर इंडिया को मेडल दिलाया, लेकिन मेडल शूटिंग में भी आ सकता था, जो कि नहीं आया। अयोनिका पॉल और निखत जरीन हमारे साथ बने हुए हैं। अयोनिका, सबसे पहले मैं आपके पास जाऊँगा, शूटर्स की अगर हम बात करें,
सौरभ चौधरी ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया। पहला ही ओलंपिक्स है, 19 साल के हैं, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट जरूर होता है जब आप क्वालिफिकेशन राउंड में नंबर वन के साथ फिनिश करो और फाइनल में ऐसा परफॉर्म नहीं कर पाए। आई थिंक उन्होंने काफी बहुत ही अच्छा किया, फर्स्ट प्लेस पे क्वालिफाई कर रहे हो विद 584, बहुत ही कमेंडेबल स्कोर्स है। अब फाइनल्स में जाने के बाद इट इज अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम, क्योंकि यहाँ पे शूटिंग इज नॉट ओनली टेक्निकल, इट इज ऑल्सो मेंटल, एंड यहाँ पे फाइनल्स में आके लक बड़ा फैक्टर प्ले करता है। अगर आप एयर राइफल फाइनल्स के देखे, जो रशियन फर्स्ट पे जा रहे थे पर उन्होंने लास्ट शॉट में एक एट मारा और वो सेकेंड आ गए, तो वहां पे आप फाइनल्स में जाके, फाइनल्स में आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो। पहले ओलंपिक्स में था कि हम जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन अभी फाइनल्स में जाके पहुंच रहे हैं। इवन अभिषेक, वो फाइनल्स टॉप एट में थे, उनका फाइनल्स में चांस काफी था जी। लास्ट तीन शॉट उनका अच्छा नहीं गया अनफॉर्चुनेटली, वरना वो भी फाइनल्स में होते। तो आई थिंक दैट आज काफी बहुत ही अच्छा किया इन दोनों ने भी, कंसिडरिंग उनका पहला ओलंपिक्स है एंड इट्स ये कोविड के टाइम पे उन्होंने प्रिपेयर किया, हर एक पॉइंट को चारों शूटर्स ने हर एक पॉइंट को, जो बात यहाँ पर अयोनिका कह रही है, या जो बात यहाँ पर निखत, जो बात अयोनिका कह रही है कि उनका ये पहला ही ओलंपिक्स था सौरभ चौधरी का, विकास कृष्ण का ये तीसरा ओलंपिक है, और पहले ही राउंड में ऐसे हार जाना बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। जी बिल्कुल, पहली बात तो मुझे सबसे ज्यादा विकास भाई के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि वो इस बार इंडिया के लिए मेडल जरूर जीतेंगे, क्योंकि वो हमेशा कहते रहते कि मुझे ओलंपिक मेडल जीतना है। उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में भी बोला था कि आई वांट टू विन ए ओलंपिक मेडल, अदरवाइज आई विल बिकम क्रेजी। तो मतलब उनके उसमें दिख रहा था कि वो कितने उनके अंदर कितना हंगर है, कितना डेस्परेट थे वो ओलंपिक मेडल जीतने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली आज उनका दिन नहीं रहा बोलूंगी मैं, क्योंकि जितना मैंने बॉक्सिंग बहुत क्रूअल स्पोर्ट होता है, क्योंकि कॉम्बैक स्पोर्ट है जी। और शायद इसी वजह से कोशिश तो वो जरूर कर रहे थे कि मेडल लेके आए भारत के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया निखत आपका, अयोनिका आपका, हम आपसे कल भी लगातार बात करेंगे, क्योंकि कल भी मैरी कॉम आएगी फील्ड में, साथ ही साथ जो है शूटर्स मनु भाकर भी फील्ड में होंगी, उनसे भी हम लगातार बात करेंगे। ABP News आपको रखे आगे।